ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बार फिर से राजधानी में नाबालिग किशोरी हैवानियत का शिकार बनी है। किशोरी के साथ जबरन घर में घुसकर युवक ने अपनी हवस का शिकार बनाया उसे। इसके बाद परिजनों ने किशोरी को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है। देखिए इस रिपोर्ट में। योगी सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे कर रही हो, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। रोज सामने आ रही रेप की घटनाएं चीख चीख कर बता रही हैं कि यूपी में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। उन्नाव में गैंगरेप पीड़िता को जलाने का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि राजधानी लखनऊ में एक दरिंदे ने दिव्यांग मां की आंखों के सामने उसकी नाबालिग बेटी के साथ रेप कर डाला। इतना ही नहीं, आरोपित ने रेप करने के बाद पीड़िता को जान से मारने के लिए जबरन जहर पिला दिया। पीड़िता की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। वहीं पीड़िता के साथ हुई दरिंदगी की चर्चा जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई है। शाम को यहाँ जब आए तो बिटिया ने बताया कि हमें जो है घर में खाना बना रहे रान और पीछे से ने जाए के यहाँ जो है बलात्कार कर वो जो है बउआ जो है सर्वेश ब्रह्म भरोसे का लड़का कपास तो बाद में यहाँ जहर जो है खा लिया शाम को यहाँ तब वहाँ से जो है यहाँ भर्ती हुए तब जो है अब ये उससे पूछो अब तबीयत ठीक है। ये घटना थाना मड़ियाव के काकोली इलाके की है जहाँ किशोरी अपने पिता और मूक बधिर माँ के साथ रहती है। बीते शनिवार की शाम जब पेशे से किसान पिता काम के सिलसिले में घर से बाहर था और माँ और बेटी घर पर थी, इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला एक युवक बउआ उर्फ सर्वेश यादव घर आ पहुंचा और घर में खाना बना रही किशोरी के साथ जबरन बलात्कार कर फरार हो गया। जब परिजन घर पहुंचे तो किशोरी बेसुध हालत में पड़ी मिली, जिसके बाद उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। वही गांव के ही कुछ लोगों ने बताया कि पीड़ित किशोरी मंदबुद्धि है। मणियाओ के ककोली गांव में दरिंदगी की ऐसी वारदात हुई जिसे सुनकर शर्मसार हो गई दुनिया। जी हां, इस वक्त हम खड़े हुए मणियाओ कोतवाली में और कल देर शाम इस तरीके की घटना सामने आई कि लोगों को हैरान कर गई। एक दरिंदे ने उसकी माँ के ही सामने उसका बलात्कार किया और ना सिर्फ बलात्कार किया बसे उससे जहर खिलाकर मारने की भी कोशिश की गई। फिलहाल इस पूरे मामले को इस घटना में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी पीड़िता का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की देखरेख में पीड़िता जो है उसका इलाज चल रहा है और कई डॉक्टरों की टीम पीड़िता के इलाज के लिए वहाँ पर मौके पर मौजूद है, लेकिन पुलिस ने सर्वेश यादव और बउआ को गिरफ्तार करते हुए इस पूरे मामले की घटना का खुलासा किया है। लेकिन लगातार बढ़ते जा रहे अपराध को देखते हुए ज़रूर कहना होगा कि सजा में कोई कानूनी प्रावधान लाए ताकि दोषियों को सख्त से सख्त और कम समय में सजा मिल पाए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हमीदुल इस्लाम के साथ शिवा शर्मा, लाइव टुडे। पुलिस करीब 12 घंटे इस घटना को छिपाए रही। ये घटना जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो मड़ियाओं पुलिस ने आनंद फानंद में पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने बताया कि आरोपी बबुआ और पीड़ित का घर आसपास है। पीड़िता की मां दिव्यांग है और पीड़िता भी मंदबुद्धि युवती है, जिसका फायदा आरोपी ने उठाते हुए ये जघन्य अपराध कर डाला।
फिलहाल पुलिस ने पॉक्सो सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने एक आरोप लगाया है, अपने ही गांव के युवक पे आरोप लगाया है और उस आरोप के दृष्टिगत, पीड़िता के दृष्टिगत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा गया है। अन्य चीजें, सारी चीजें विवेचना के क्रम में आगे स्पष्ट होंगी। वो इसमें ट्रामा सेंटर में एडमिट है, आउट ऑफ डेंजर है। उससे बातें करके और अन्य विवेचनाओं में चीजों को सम्मिलित करते हुए, सभी चीज़ों को सम्मिलित करते हुए आगे सारी चीज़ों को समावेशित करते हुए विवेचना को निस्तारण किया जाएगा और सारी चीज़ें स्पष्ट करते हुए। अभी उन्नाव में रेप पीड़िता की मौत का मामला लगातार सरकार और यूपी पुलिस के लिए किरकिरी बना हुआ है। ऐसे में राजधानी में घटी इस घटना ने एक बार फिर बेटियों की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। लखनऊ से शिवा शर्मा की रिपोर्ट।